प्रातः क्लास चल रहा था 26 अक्टूबर 1964 सोमवार छह पेज के मध्यांक में बात चल रही थी उन गुरुओं के पास तो कोई ठौर नहीं होता है ऐसे ही बोलते रहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे अब वो ठौर कौन सी है कुछ भी नहीं जानते ये ठौर तो अभी पाना होता है जो सच्चा सदगुरु एक गाया हुआ है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है मुक्ति धाम का ठौर और सुख धाम का ठौर देते हैं इसको कहा जाता है सदगुरु सत बाप सत टीचर सच यानी ट्रुथ कहते भी हैं गॉड फादर इज ट्रुथ ट्रुथ कहने वाला बाप ट्रुथ सिखलाने वाला बाप सिखलाने वाला टीचर कहेंगे सिखलाने वाला सदगुरु भी है तो बोलते हैं अभी मेरी मत पर चलने से तुम ये बनते हो क्या बनते हो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हो बाप कहते हैं बच्चे याद रखना कि ये जीवन लंबा है बाकी बस इसका शरीर ही देखो तुम्हारा जीवन वहां तक है जहां तक इनका शरीर है इसका और इनका क्यों कह दिया इसका शरीर ही देखो क्योंकि तुम्हारा ये पुरुषार्थी जीवन वहां तक ही है जहां तक इनका शरीर है इनका है जोर से बोलो ब्रह्मा का शरीर है अभी है जहां तक इनका शरीर है वो तो 68 में ही खत्म हो गया 69 में वहां तक ही था उसके बाद नहीं देखने है बाप तो कहते हैं साकार के बगैर निराकार कोई काम नहीं कर सकता तो साकार शरीर तो चाहिए ना तो दो हैं एक ही शरीर में दो आत्माएं कर्ता के रूप में करने वाले बाकी तीसरा तो अकर्ता है तो इनका ही शरीर देखने है क्योंकि ये भी ऐसे लिखा हुआ है
कौन लिखा हुआ है, ये भी ऐसे लिखा हुआ है, ये माने कौन? ये ब्रह्मा का शरीर, यानी विनाश को पाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है विनाश को पाते हैं? हैं? शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष में समाप्त हो जाती है। तो आयु तो तभी तक होती है जब तक शरीर होता है। तो ये तो विनाश, अभी तो तुम्हारी आत्मा सीख रही है ना, क्योंकि ये है पतित आत्मा, सो पावन बन रही है, वो नॉलेज सीख रही है। कैसे सीख रही है? हम बरोबर बाप को याद करते हैं। वो कहते हैं हाँ ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा याद करते हैं, और ज्ञान भी धारण करते रहते हैं, और बरोबर ये और माँ नंबर 1 में पास होते हैं, क्योंकि ये जा करके फिर राधे और कृष्ण बनते हैं। स्वयंवर के बाद फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कहाँ की बात हुई? सतयुग की बात हुई। मां सतयुग में स्वयंवर आदि उत्सव होते हैं, तो कहाँ की बात है? अच्छा अभी लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी भी तो आनी है ना, तो बस ये जो भी है पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम भी मम्मा और बाबा के समान मेहनत करके उनके तख्त के मालिक बने, यानी फॉलो करें। माता पिता को फॉलो करें सर्विस में, धारणा में, और फिर फॉलो करके भविष्य के तख्त नशीन बने। बच्चों को ये मेहनत करनी है ना, तो फॉलो करें। बोलते हैं अगर तुम ये सब बातें फिर भूल जाएंगे और बाबा को फारकती दे दिया या डाइवोर्स दे दिया, क्योंकि ये 2 बातें हो गई ना, ये तो और कोई नहीं समझा, ये सन्यासी क्या समझाएंगे। 26 अक्टूबर 1964 की वाणी की 7वें पेज में 3री लाइन, मनुष्य कोई भी नहीं समझाते हैं। एक परम पिता परमात्मा है जो ज्ञान का सागर है, सारे सृष्टि चक्र को जानते हैं, उसको ही कहा जाता है नालिसफुल। ऐसा कोई भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जो सृष्टि के चक्र को जाने, बल्कि सृष्टि के रचयिता को ही नहीं जानते। कह देते हैं बेअंत है, बेअंत है, और बेअंत माना ही वो बोलते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो 2 गुना नास्तिक हो गए। ये कहा ही जाता है नास्तिकों की दुनिया। नास्तिक कहते हैं निर्धन को, जिसको कोई के ऊपर आस्था नहीं,
जो अपने धनी को नहीं जानता हो। तो देखो, धनी को न जानने से भारत और सभी बच्चे जो धनी के हैं, गॉड फादर तो सब कहते हैं ना, सभी दुखी, झगड़े लड़ना, नेशन नेशन में लड़ते हैं, घर घर में झगड़ा रहता है, पानी के लिए झगड़ा, जमीन के लिए झगड़ा, अलग अलग स्टेट बनाए दिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, फलाना फलाना, आपस में लड़ते ही रहते। भला क्यों लड़ते रहते हो? राजाएं भी लड़ते हैं तो मनुष्य भी एक दो में लड़ते, घर वाले भी लड़ते हैं, ये सब क्या है? क्योंकि निर्धन के हैं, अर्थात सब नास्तिक हैं। उसमें सब आ जाता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, वो भी नास्तिक है। क्योंकि वो भी तो ऐसे ही कहते हैं ना, ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवोऽहम् तत्त्वम्, फिर माना सर्वव्यापी हो गया। इसलिए अभी ये सभी पाप करते हैं, पाप आत्मा है, इसलिए सबसे पाप आत्मा कौन है? कहेंगे ये गुरु। कौन सा गुरु है? सबसे जास्ती पाप आत्मा कौन? गुरुओं में भी सबसे जास्ती कौन? ये लौकिक गुरु। क्योंकि एक तारे वो एक ही पावन बनाए, तो जरूर पतित बनाने वाले भी कोई होंगे ना, और पतित बनाने वाली एक तो है माया, और माया कीमत पर चलने वाले हैं ये कलयुगी गुरु लोग, ये सभी पतित हैं, एक भी पावन नहीं। जब गुरु ही पतित हैं, बाबा समझाते हैं, भला ये तो समझते हो कि पतित गंगा में स्नान करते हैं, गंगा को कहते हैं पतित पावनी। बहुत साधु संत जाते हैं, कुंभ के मेले पर उनके बड़े बड़े मेले लगते हैं। ये सब जो भी महात्मा लोग होते हैं, वो कुंभ के मेले पर सवारियां लेकर के जाते हैं, त्रिवेणी के ऊपर पाप धोने जाते हैं, उनके पाप कटने हैं। उसको कहा जाता है गंगा पतित पावनी, तो गंगा को भी दे देते हैं, सरस्वती को भी दे देते हैं, जमुना को भी दे देते हैं। पर वो सब हैं तो नदियां ना, बोलते हैं संगम युग पर तीनों में स्नान करने से हमारे बहुत पाप दूर होंगे। अभी गंगा तो पति पावनी नहीं है, पतित पावन तो एक ही है, गंगा कहाँ पतित पावनी है? भला पतित को पावन करने गंगा कैसे? वो कहाँ सीख देगी? बोलते हैं या कितना रंग है, तुम्हारे गुरु भी पतित हैं, कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है,
बाकी शरीर पतित होता है, शरीर खाता है, पीता है, चलता है, आत्मा तो निर्लिप है। अब ये भी तो बिल्कुल रंग है, लेप छेप शरीर को लगता है या आत्मा को लगता है? अगर कहें शरीर को लगता है तो शरीर तो खलास हो जाता है, भस्म हो जाता है, तो शरीर को तो नहीं लग सकता। हाँ, एक शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, वहां अपने कर्म बंधनों को ले जाती है, उन कर्म बंधनों का लेप छेप आत्मा को लगा हुआ है। संस्कार सभी आत्मा में रहते हैं। और कहा भी जाता है ये कर्मों का फल है। क्या कि अगला जन्म लेने पर कोई अंधा, कोई लूला, कोई काना, कैसे कैसे शरीर वाले जन्म लेते हैं। अब ये कौन से कर्मों का फल है? जरूर कहेंगे पास्ट जन्म के कर्मों का फल है। पास्ट जन्म में जो पास्ट का शरीर था उस शरीर से ऐसे ऐसे कर्म किए, पास्ट जन्म के अच्छे व बुरे कर्मों का फल, जैसे अच्छा बुरा काम करते हैं वैसा भोगते हैं अगले जन्म में। तो बाप कहते हैं अभी हम तुमको ऐसे कर्म करना सिखाता हूँ, बाप के रूप में सिखाता हूँ, टीचर के रूप में सिखाता हूँ, और गुरु के रूप में जो 21 जन्म कभी तुमको कर्म कूटने का नहीं पड़ेगा ऐसे गुरु के रूप में भी सिखाता हूँ। वहाँ नाम ही नहीं होता है किसका कर्म है ऐसा खराब हुआ। तुमको हम इस समय एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचाए करके फिर मैं वापस चला जाता हूँ। तुम जानते हो कि हमारा 84 जन्म का ड्रामा पूरा होता है। 26/10/64 की वाणी का 8वां पेज। फिर हमारा नया सतयुग में जन्म शुरू होता है। तो सतयुग में जाने के लिए, देवता बनने के लिए ये युक्ति पढ़ाई जाती है। शिव भगवान वाच, बच्चे मेरा बन करके वा तो हे सजनियो, मुझे अपने ब्राइड ग्रूम का बन करके फिर कभी मेरे को फारकती नहीं देना। फारकती व डाइवोर्स का संकल्प भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई स्त्री को अपने पति को डाइवोर्स देने का संकल्प ही नहीं उठेगा। अपने पति को, बाप को, जिससे वर्षा मिलता है, उनको फारकती नहीं देंगे। देंगे कोई क्या? नहीं, सतयुग में कभी कोई फारकती नहीं देंगे। यहाँ तो ये बहुत होता है। आजकल के जो बच्चे हैं लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पिता से अलग होकर के रहते हैं, पिता को फारकती दे देते। सतयुग में तो ये सब होता ही नहीं है। क्योंकि सतयुग में तुम बच्चे अभी भी प्रारब्ध भोगते हो। अभी की जो प्रारब्ध है पुरुषार्थी जीवन की, वो तुम वहां भोगते हो। वहां फारकती का क्वेश्चन ही नहीं है, कोई भी दुख का क्वेश्चन नहीं। अब भला फारकती क्यों देते हैं? झगड़ा, स्त्री क्यों फारकती देती है? झगड़ा, वहां तो बिल्कुल ही झगड़े का नाम निशान नहीं। तो देखो
ये गीत कितना अच्छा है। अच्छा, थोड़ा फिर ये गीत बजाना, कितना मीठा गीत है। क्या गीत? बचपन के देना, बुलान देना। ईश्वरीय गोद का जीवन बहुत लंबा है बच्चे, जब तक ये है तब तक तुमको याद में रहना है। ये हुई आत्मा की यात्रा, परमपिता परमात्मा के पास जाने की। डायरेक्शन परमपिता परमात्मा की है, उसको कहा जाता है श्रीमत भगवान वाच। तो वो निराकार हुआ ना, तो निराकार बाबा निराकार आत्माओं को इस मुख से कहते हैं। ये गौमुख हुआ, कौन सा ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला गौ तो फीमेल को कहा जाता है। ये ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। वो पुरुष है, बाप है या स्त्री स्वभाव संस्कार वाला है? और गौमुख, इनसे क्या निकलता है? इनसे रतन निकलते हैं। वो गौमुख से तो पानी निकलता है, इसे गौमुख से है पानी का स्नान करने से कोई पावन नहीं हो सकता। क्यों? पानी को कितना भी बिलोया जाए तो उसमें मक्खन निकलेगा? नहीं निकल सकता। ये तो गौ का दूध है, दूध को बिलोएंगे तो मक्खन निकलेगा। तो इस गौमुख से गंगा जमुना का जल बहता है। गौ से जल कैसे बहेगा? ये है ज्ञान रतन। बाबा तुम बच्चों को इसके मुख द्वारा रतन देते हैं। किसके मुख के द्वारा? अरे दो के द्वारा, प्रजापिता के द्वारा देते हैं। फिर ये रतन काम क्यों नहीं करते? सुधार क्यों नहीं होता? अरे चढ़ती कला हो रही है या उतरती कला हो रही है? हैं? उतरती कला हो रही है तो रतन किस काम के है? गौमुख गाया हुआ है या बैलमुख गाया हुआ है? तो प्रजापिता कैसे? फिर किसको कहें गौमुख? है दादा लेखराज ब्रह्मा। हाँ, जब शरीर छोड़ते हैं तो कोई माता में प्रवेश करते हैं, फीमेल में प्रवेश करते हैं, और उस फीमेल के द्वारा ये ज्ञान रतन निकलते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को इसके मुख के द्वारा रतन देते हैं। इसके माने किसके? उस समय इसके किसके लिए कहा?
ब्रह्मा के मुख के लिए, लेकिन ब्रह्मा के रतन तो कोई को समझ में ही नहीं आए। समझ में आए कि कौन सा रतन हीरा है, कौन सा माणिक है, कौन सा मोती है? वो ही ब्रह्मा जिसके लिए बोला इसके, वही ब्रह्मा कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तब वो रतन निकलते हैं। और एक एक रतन लाखों लाखों रुपए का, इनको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। क्योंकि जितना जितना तुम धारण करेंगे इतने इतने वहां बहुत धनवान बनेंगे। कहां है? सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी धनवान बनेंगे। जबकि तुम धारणा करती जाती हो फिर तुमको दान भी करना होता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का वो ही दान फिर तुम दूसरे की, दूसरे को करते हो, दूसरों को समझाती हो ना। उनमें नंबर वन रतन कौन सा है? जिन रत्नों को तुम दूसरों को समझाते हो उनमें नंबर वन रतन कौन सा है? अरे एक व्यापी कहने से काम चल जाएगा है? एक व्यापी को भी साबित करना पड़ेगा ना। तो नंबर वन रतन है मनमना भव। इससे बाद में बनता है मध्यादि भव, मेरे मन में समा जा। किसके मन में समा जा? किसके मन में समा जा? जो बाप का मन है, जो मन में बाप के संकल्प चलते हैं, उन्हीं संकल्पों में समा जा। संकल्प मात्र भी कोई विरोधाभास न दिखाई दे तो वाचा दृष्टि वाइब्रेशन की तो बात ही दूर हो गई। हे बच्चे अब मुझे याद करो। भले तुम बच्चियां कहती हो हमारी झोली में रत्नों की धारणा नहीं होती है, जो हम दूसरों को दे सके। अरे और रत्न नहीं दे सकते हो? एक रत्न तो देंगे ना? क्या है? मनमना भव अर्थात है? हाँ, बाप के संकल्प में संकल्प मिला करके चलना। संकल्प मात्र भी कोई विरोध नहीं आना चाहिए। तुम बच्चियां कहती हो हमारी झोली में रत्नों की धारणा नहीं है। अरे अपन बाप को याद करो, वो तो है लौकिक बाप, ये है पारलौकिक बाप, वो बेहद का बाप है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से, मैं बेहद का सुख का वर्षा देने के लिए बांधा हुआ हूं। समझा ना? बाबा सच कहते हैं ना, बोलते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करते रहो। जब तक इनका शरीर है
तब तक याद करो तो तुमको मैं स्वर्ग की बादशाही जरूर दूंगा। क्या कहा? तो बेसिक वालों ने क्या समझ लिया है कि जब तक ब्रह्मा का शरीर रहा तब तक याद करने का पुरुषार्थ करना था, उसके बाद तो हमें स्वर्ग की बादशाही मिल गई। बादशाही मैं जरूर दूंगा क्योंकि तुम मेरे आज्ञाकारी वफादार बनते हो, क्योंकि मेरे मददगार बनते हो, मुझे याद करते हो और पवित्र भी जरूर रहते हो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा, तुम मुझे पवित्र दुनिया बनाने में मददगार बनते हो। किसके मददगार बनते हो? मेरे मददगार बनते हो पवित्र दुनिया बनाने में, क्योंकि मेरे मददगार बनते हो, मुझे याद करते हो। अभी जितना जो योग में रहते हैं वो दुनिया को भी पवित्र बनाते हैं। अपने को भी पवित्र बनाते हैं, क्योंकि उनके विकर्म विनाश होते हैं। नहीं याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। फिर बड़ी सजाएं खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कितना क्लियर करके समझाते हैं, ये गीत सच में अच्छा है। ये कोई नाटक आदि बनाते हैं उनमें से ये निकला हुआ है, जिसका बाप यथार्थी से अर्थ समझाते हैं। 26/10/64 की वाणी का 9वां पेज, जो गीत बनाते हैं, जो नाटक में सुनते हो, वो डब्बे में ठीकरी, वो तो जानते ही नहीं है। हाँ सुनाओ बच्ची, रिकॉर्ड बजा, बचपन के दिन भुलाए न देना। क्या भुलाए देती है? इसलिए खबरदार रहना। कहते हैं बच्चे ये बचपन के दिन भुलाए न देना, हम बाप के हैं। बाप हमको कहते हैं मैं बच्चों को लेने आया हुआ हूँ। ये बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा होता है, सतयुग से लेकर के नाटक फिर से रिपीट होने का है। इसलिए तुमको सतयुग का मालिक बनाने के लिए मैं फिर से आया हूँ। मैं तो नहीं बनूंगा। देखो कितनी साफ बात कहते हैं, ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही कहेगा। बाप कहते हैं बच्चे स्वर्ग की बादशाही तुमको दूंगा और तुमको सदा सुखी बना करके अपने स्वर्ग का वर्षा दे करके मैं अपने निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। फिर मुझे आधा कल्प कोई भी याद नहीं करते हैं। इसलिए गाया जाता है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। दुख में सुमिरन करते हैं ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा। इसका पति मरेगा तो कहेंगे हे भगवान ये क्या किया, हमारे पति को छीन लिया। कई पुरुष होते हैं उनकी स्त्री बहुत अच्छी होती है तो कहते हैं ये आपने क्या किया, ये तो आपने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म कर दिया। अभी बाप थोड़े ही किसी के ऊपर जुल्म करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, ये माया तुम्हारा बच्चा वगैरह छीन लेती है। मैं तो जो राज्य स्थापन करता हूं वहां कोई अकाल मृत्यु भी नहीं होती है।
और न कोई कोई इतने बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा एक बच्ची बस, जास्ती तो वहां होता ही नहीं। पीछे जब त्रेता आता है तब कभी कभी दो भी होते हैं, दिखलाते हैं ना लव और कुश। तीसरा तो नहीं दिखलाते हैं, पर ये सिर्फ निशानी है शास्त्रों में। ये लव कुश कहां की बात है? शास्त्रों में जो लवकों से दिखाया है वो कहां के दिखाए हैं? तो ये त्रेता की निशानी है, ये सब शास्त्रों में निशानियां संगम युग की हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि लव और कुश कोई डब से या फलाने से पैदा हुए। उस समय में ये वो योग बल आता है कि बरोबर अभी हमको ये शरीर बदल करना है। नाक का मिसाल होता है ना, शरीर बदल करके दूसरा नया लेता हूं और साक्षात्कार हो जाता है। पहले यहां शरीर छोड़ करके तुमको घर जाना है, बाबा के पास जाना है, स्वीट होम। सीट बाबा आया हुआ है और बताता है तुम्हें इतनी भक्ति करने की दरकार ही नहीं है, सिर्फ मुझे याद करो। याद से विकर्म विनाश हूं मैं और तुम पावन बन जाएंगे। और कोई उपाय पतित को पावन बनने का नहीं है। फिर पिछाड़ी की सजाएं खाएंगे नहीं तो। जैसे काशी करवट होता है ऐसे फिर पिछाड़ी में सजाएं खाएंगे। सजा खा करके हिसाब किताब चुकतू करके सभी आत्माओं का दुख का हिसाब किताब पूरा होगा, फिर नए शरीर से सुख। सुख पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। पिछाड़ी में सब आकर के तमो बनते। फिर गीत बजा, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। अभी तुम हंसते गाते रहते हो ना, हमको सदैव हर्षित रहना चाहिए। बाप मिला और भला क्या चाहिए, गरीब को भी बाप मिला तो याद करना है, साहूकारों को भी बाप मिला उनको भी याद करना है। इसमें कोई फर्क तो नहीं है, शरीर तो है परंतु उनको धन नहीं है। आत्मा कहती है इस समय मैं गरीब हूं, दूसरी आत्मा कहती है मैं साहूकार हूं। बाबा कहते हैं साहूकार हो या गरीब हो मुझे याद करो। बेचारे गरीब तो है ही दुखी, इसलिए बाप को याद करते हैं। वो साहूकार तो सुखी है तो उनको सुख होने के कारण उतना याद नहीं करते हैं, इसलिए गाया जाता है गरीब निवाद। गरीब दुखी तो है ही, जब गरीब दुखी है तो वो याद करते हैं। अब बताओ सबसे गरीब कौन है? नंबर बार 26/10/64 की वाणी का 10 पेज। सबसे गरीब होती है कन्याएं, क्योंकि उनको तो वर्षा ही नहीं मिलता है। जब पति के पास जावे बुखी की लेन देन करें तब उनको वर्षा मिले।
सो भी सुख तो वो ही है और अर्धांगिनी भी तो नहीं है, हाफ पार्टनर भी नहीं है। वहां हाफ पार्टनर तो क्या, वो तो है ही रानी और राजा, उनमें कोई भी वो गड़बड़ नहीं है। यहां तो देखो हाफ पार्टनर भी नहीं है, स्त्रियों के हाथ में कुछ होता थोड़ा ही है, इसलिए फिर स्त्रियों को चाबी दे देते हैं कि तुम ही सबका उद्धार करना। साधु संत महात्मा सबका तुमको उद्धार करना है। गीत बहुत मीठा है ना, लंबे हैं जीवन के रास्ते, यानी ये यात्रा पुरुषार्थ की लंबी है। जहां तक जीना है बाप को याद करना है, उनके लिए भी टाइम बोलते हैं, परंतु शुरू करो, अपना चार्ट रखो, देखो दिन में कितना समय याद करते हो, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, याद करते करते 8 घंटा तक तुमको जरूर याद में रहना है। पीछे 8 घंटा जो याद करेंगे वो क्या बनेंगे हैं? अरे 8 घंटा याद करने की प्रैक्टिस में अंत में जो पहुंच जाएंगे वो क्या बनेंगे? पास विदानर बनेंगे। अभी 24 घंटा तो नहीं कहते हैं ना, सिर्फ 8 घंटा, फिर कोई 8 घंटा, कोई 7, कोई 6, कोई 5, कोई 4, ऐसे याद करने से फिर ये माला बन जाती है। क्या कहा? पहले 8 पास विदानर, फिर नंबर बार जिनकी माला बनती है राजधानी बन जाती है, रिकॉर्ड बजता है, लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। रोना पीटना नहीं है, कब है संगम युग में भी रोना पीटना नहीं है और सतयुग त्रेता में भी रोना पीटना नहीं होता है। यहाँ संगम में अगर रोएंगे पीटेंगे तो द्वापर कलयुग में भी रोना पीटना पड़ेगा। ये ज्ञान का गीत 2 अक्षर है, ये गाना है, हम सुन करके फिर सुनाएंगे, ये हो गया गाना। लिखा हुआ है कि अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, गोपी वल्लभ के गोप गोपी सो तो यहाँ पूछेंगे ना, सतयुग में तो गोप गोपी होते ही नहीं है। क्यों है? सतयुग में गुप्त रहने की बात ही नहीं है, गोप गोपी गुप्त पुरुषार्थियों को कहा जाता है। गोप गोपियां यानी ये बच्चे और बच्चियां, रिकॉर्ड बजा, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। ये आत्मा को जागना होता है ना, अगर फिर छोड़ दिया तो दीप बुझ जाएगा, फिर धारणा नहीं होगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा अभी टाइम बहुत हुआ, टोली लेकर के आना, ये अपना गीत गाते रहना, नाचते रहना, इसको कहा जाता है ज्ञान का डांस। वो कृष्ण की बात नहीं है, ये ज्ञान का डांस है, बाकी तो नाली।
ये अक्षर महिमा के लिए गाए गए हैं, पावन बनाते रहते हैं, बीच बीच में कोई पतित बना तो ये गिरा, क्योंकि यात्रा पर हो ना, उस यात्रा में भी अगर जाते जाते कोई रास्ते में पतित बन गया तो उनकी यात्रा कहाँ हुई। ये भी ऐसे ही है, यहाँ तो लंबा चक्कर है, वो तो फिर आकर के फिर विकार में गोता खा जाते हैं। यहाँ कोई भी नहीं है, इसमें जितना समय तुम याद में रहेंगे, यात्रा में रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। नहीं तो विकार में गया खाना खराब, या तो खाना आबाद या तो खाना खराब। खाना आबाद और खराब उसको ही कहा जाता है, सूर्यवंशी घराने में आएंगे या तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा में जो साहूकार होते हैं ना, उनके भी नौकर चाकर बनते हैं, वो भी यहाँ ही बनने हैं। पिछाड़ी में नहीं आओ, तुम्हें वह माता च पिता कहते हैं ना, बरोबर बालक बैठे हैं, जानते हैं कि ये मात पिता हैं। ऐसे मात पिता अपने शिकील दे बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट की विदाई देते हैं, टाइमिंग थोड़े समय के लिए। ओम शांति।